भगवान का, तुम बच गए भैया। आज तारीख क्या है? मंगलवार 24 तारीख। 26 तारीख को तो फांसी हो जाएगी। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो बेटा? मेरा जाना बहुत जरूरी है। बाहर बहुत तूफान है, सुबह चले जाना। नहीं, मुझे हर हाल में शहर पहुंचना है। आवाज नहीं करना, जो कुछ भी तेरी जेब में है निकाल के मेरी जेब में डाल दे, वरना मुंडी काट के हाथ में दे दूंगा। चंद पैसों के लिए तू मेरी जान ले लेगा? अबे जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। हाँ। ये घड़ी तेरे पास, तूने ही मनोहर सेठ का खून किया, तू खूनी है। अबे क्या बकवास करता है, मैंने कोई खून वून नहीं किया। तो फिर ये घड़ी तेरे पास आई कैसे? बात को समझ में आ रही है, मैं खूनी को जानता हूं और उसे पहचानता हूं, कला छोड़ता बताता हूं। चल। अबे मैं खूनी नहीं हूं, खूनी नहीं हूं, चोर हूं, चोर। रात जिस गाड़ी को रोक कर मैंने लूटा था, उसके आगे वाली सीट पर एक औरत बैठी थी और पीछे वाली सीट पर एक आदमी बेहोश पड़ा था। जब उसकी कलाई से मैंने घड़ी उतारी तो मुझे एहसास हुआ कि वो मर चुका था। हाँ, उसका खून हो चुका था, मैं वहां से भागा। अब समझ गया ना तू कि कातिल मैं नहीं, कातिल कोई और है, और मैं तुझे असली कातिल के पास ले चलता हूं। चल। कैसी हो निशा बेटी? आंटी, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए, देखिए ना अश्वनी ने मेरे साथ क्या किया। वो मुझे किडनैप करके यहाँ ले आया और जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि सोने के झूलों में झूलने वाली मेरे भाई की बेटी एक देहाती अनपढ़ भीख मांगे के साथ अपनी जिंदगी बिताए। आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो भोला को पसंद करती है ना? मुझे दुनिया में सिर्फ एक ही चीज पसंद है, वो है दौलत। आप तो समाज सेवका है ना? असली समाज सेवक वो होता है जो समाज सेवा करने से पहले अपनी भरपूर सेवा कर लेता है। मैं तेरी शादी अश्विनी से कर रही हूँ। मगर क्यों? आप जानते हैं कि वो अच्छा आदमी नहीं है और ये जबरदस्ती? जबरदस्ती नहीं, वो तुम्हें यहाँ लाया है मेरी रजामंदी से। हाँ, मैं ना चाहती तो उसकी क्या मजाल थी कि वो तुझे यहाँ ले आए। मगर आप मेरी शादी उससे क्यों करवाना चाहती हैं? अपनी सेवा के लिए बेटी। मेरे बड़े भाई यानी कि तुम्हारे डैडी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मरते समय एक वसीयत बना के गए थे जिसमें लिखा था कि तुम्हारी शादी के बाद ये सारी जायदाद तुम्हें और तुम्हारी पति को मिलेगी। मैंने अश्विनी के साथ समझौता कर लिया कि जायदाद का आधा हिस्सा मुझे मिलेगा। ये क्या कह रही हैं आप? जायदाद के लिए आप मेरी जिंदगी, मेरा भविष्य खराब कर देंगी। मेरी खुद की सेवा के आड़े जो भी आता है मैं उसे मार डालती हूँ। नारायण दास किसी तरह मेरा राज उगलवाना चाहता था, मैंने उसे मार डाला। सेठ मनोहर लाल मेरे रास्ते की दीवार था। एक तो मेरे साथ धोखा करती हो, ऊपर से धमकी देती हो, क्या समझती हो मुझे तुम? गवर्नमेंट में किसी और तुम्हारी अप्रोच है? अरे पूरा प्रेस मेरे हाथ में, अगर मैं चाहूं तो तुमको नंगा कर दूं। तुम ऐसा नहीं करोगे। कौन रोकेगा मुझे? मैं। तुमने कुछ नहीं देखा? यस मैम। जबान बंद रखोगे तो पैसा भी मिलेगा और तुम्हारी बेटी की शादी भी हो जाएगी, और जुबान खोलोगे तो तुम्हारा और तुम्हारे बेटी का वही हशर होगा जो मिस्टर मनोहर का हुआ है। यस मैडम। अब गाड़ी मिस्टर मनोहर के घर ले चलो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। यस मैडम। और उसके कत्ल का मुजरिम बना दिया
मोहन को। शांति देवी। अरे बांध के को रखा है। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके खोलो, जाओ। शांति देवी, आपके इस बहादुरी के कारनामे का चश्मदीद गवाह मैं हूँ। मैं इस देश की किसी भी आय के सामने, यहाँ तक कि सीबीआई के सामने भी ये कहने को तैयार हूँ कि सेठ मनोहर लाल का कत्ल आप ही ने किया है। तुम लोग यहाँ पहुँचे कैसे? मौत को पहुँचने के लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती प्यारी आंटी जी। आपने मेरे दोस्त के गले में फांसी का फंदा डाला था, आज वो ही फंदा आपके गले में आ गया आंटी जी। जो कहानी आपने शुरू की थी आज मैं उसे खत्म कर दूंगा। कागज हमारा, कलम हमारा, ये कहानी लिखने और सोचने वाला दिमाग हमारा, और क्लाइमेक्स तुम लिखोगे? हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब तेरी मेरी शादी को कौन रोकेगा? जो आंटी तुम लोग ले जाओ इसे। अब देखो बीरबल स्पेशल। नो प्रॉब्लम। योर वोटा। या या। विलन के वफादार कुत्ते। वैसे नाम तो है मेरा इकबाल खान, लेकिन प्यार से लोग मुझे इंस्पेक्टर फाड़ू कहते हैं। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। थैंक्स साहब। वेरी गुड। तुम्हारे पास हथकड़ी है जेब में? हैं? हैं? नहीं साहब, मैं कोई लोगों का कुत्ता नहीं हूँ, मैं पुलिस का कुत्ता हूँ। मैंने बड़े बड़े मुजरिम पकड़वाए हैं, ये सब मुझे किडनैप करके यहाँ पर लाए हैं, तो मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन विलन कुत्ते कहाँ है? मुझे मालूम है, सभी कहाँ है। हवलदार, ये कुत्ता मुझे कमीना नहीं लगता। फॉलो हिम। साला हमारा हाथ तोड़ना चाहता था, हाथ तोड़ना चाहता था। अरे हम गरीब अनपढ़ गवार को हमारे हाथ की बहुत जरूरत है बाबू। हम अपना सारा काम अपने हाथों से करते हैं, और तुम साले अमीर पढ़े लिखों का काम तो कंप्यूटर करता है, तो फिर क्या जरूरत है इन हाथों की? हाँ, क्या जरूरत है? कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं। ठाकुर रंजीत सिंह। ठाकुर रंजीत सिंह, बुजुर्गों ने ठीक कहा है कि जब मौत आती है तो चींटी के पर आ जाते हैं। जब से तूने और तेरे भाई ने सारे गांव में मेरी बेइज्जती की थी, तब से मेरा दिल तुझसे बदला लेने के लिए तड़प रहा है। अब हम लोग तुम लोगों से गिन गिन के बदले लेंगे। बांधो सबको, और मैं निशा से शादी करके रहूंगा, और तब तक तुम्हें मारते रहेंगे जब तक हम थक नहीं जाते। उसके बाद हम इस घर को आग लगाकर यहाँ से दोनों 9-2-11 हो जाएंगे। अरे चलो चलो, सब लोग यहाँ से फुट लो। लेकिन जाने से पहले दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद करते हुए जाना, हवा भी अंदर नहीं आनी चाहिए। चलो चलो चलो। कौन रोकेगा मुझे? आए, कौन रोकेगा मुझे? इंस्पेक्टर फाड़ू मेरा नाम है। जिंदा कर देता हूँ दफन झूठ पाप और अत्याचार, फाड़ देता हूँ कफन जिसमें छुपा हो गुनहगार। वो कोई और होती होगी पुलिस जो पहुंचती है मौकाए वारदात पर, हीरो की कामयाबी और विलन की नाकामी के बाद, मगर इंस्पेक्टर फाड़ू इंस्पेक्टर फाड़ू जुर्म की नस नस उखाड़ देता है, चिंधिया चिंधिया कर देता है। गुड बैड एंड अगली, यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। रुक जाओ बखुरदार, इतनी जल्दी भी क्या है? अब तुम इतनी आसानी से बचकर नहीं जा सकते। बहुत देर के बाद याद आया कि तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर भी है। आए आई कैसे फाइट रहे? फाड़ना मुंह फाड़ो, सर फाड़ो, पेपर फाड़ दिया। आई एम सॉरी, पेपर फाड़ दिया, पेपर फाड़ दिया। Yeah,
मिर्ची लगे मुझे मारना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। हाँ सस्ती चीजें हम करते नहीं। क्यों मार रहे हो इस गरीब को? तुमको कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ ये है कि ये मेरा दोस्त है, मुझ पे वार करो। अरे बड़ा बेशरम है, बचिए तो फिर आ गए। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ तो कुर्बान जा। ए, ये गले में ठंडा और हाथ में डंडा। अरे बढ़ गया भैया, भुर्ता निकाल दे। हमारे पेट में कहाँ यहाँ मारिए, अब मजा आया। तूने तो पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी ना? नसीब दोस्त नसीब, जिस नसीबन के लिए इकबाल ने पुलिस की नौकरी छोड़ी, जब वो नसीबन ही उसे छोड़कर चली गई, तो इकबाल ने भी सोचा कि शायद नसीब में पुलिस की ही लिखी है। अबे छोड़ 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 भी जाता है। ओके लगा मेरी टोंग खा। अरे ते बताइए, ये लोग मुझे मार रहे हैं और कुत्ता अभी तक बचाने नहीं आया और आएगा भी नहीं। हमने भी कसम खाई है, जब तक निशा को हासिल नहीं कर लूंगा दाढ़ी नहीं काटूंगा। इस प्रेम चोपड़ा टाइप आदमी को गिरफ्तार कर लो, मैं तुम्हें देख लूंगा। इसके आगे भी फोड़ दो, तब भी तुम्हें देख लूंगा। तब कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे बाबा, उनकी आंखें खोल लेके जाओ। कानून की निगाह में तुम गुनहगार सही, लेकिन मेरी निगाह में तुम एक नेक इंसान हो। थैंक यू सर। घड़ी छोड़ो, इसीलिए मैं अपने फर्ज से मुंह मोड़ता हूँ और तुम्हें बिना सजा दिए छोड़ता हूँ। थैंक यू सर। लेकिन सुनो यार, तुम ये बुराई का रास्ता छोड़कर सच्चाई के रास्ते पे क्यों नहीं चलते? सर मैं चलने को तैयार हूँ, बस आप मेरी उंगली पकड़ लीजिए। मैं? आप? मैं? क्या आप मुझे पुलिस में भर्ती नहीं करा सकते? मैं? आप? कौन रोकेगा मुझे? चलिए। मेरी प्यारी बहना, आज मैं तेरे लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूं जिसे देखकर तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तेरा दामन खुशियों से भर जाएगा। ए! मोहन चल बिटिया। बोला आज तूने हमारे परसों का सपना पूरा कर दिया। लप लप ये हाँ। अब दोनों बोलो। हाथ में हाथ मिला ले, जीवन भर का साथ निभा ले। तुम भी बोलो। देखो एक दूसरे को बिल्कुल खुश रखना, और अगर आप लोग एक दूसरे को खुश रखने में नाकामयाब हुए तो आप लोगों को सुधारने से कौन रोकेगा मुझे।